आदाब नाजरीन, हिंद न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती और मुनाफरत के ख़िलाफ़ तृणमूल लीडर अली हुसैन सोनू की क़यादत में मरकज़ी कोलकाता के वार्ड नंबर 39 में एक अजीमुशान एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शहर कोलकाता के मारूफ समाजी व सियासी शख्सियात ने हिस्सा लिया। बिलखसूस मैडम नीलूफर, तनवीर बैग साहब और दीगर अहम अफराद के अलावा कसीर तादाद से तृणमूल पार्टी वर्कर्स और आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। लोगों ने जो ये रैली हम लोग ममता बनर्जी के आदेश में निकाला है। ममता बनर्जी का ऐलान था कि 14, 8 और 20 को रैली और मिचिल करने का, तो हम लोग आज रैली निकाला है इसी के लिए। और इसका मकसद ये है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो जन विरोधी नीति कर रहे हैं उसके विरोध में ये रैली है। जिस तरह गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को माने प्राइवेट सेक्टर को बेचा जा रहा है, प्राइवेट में हाथों में दिया जा रहा है, उसके विरोध में ये रैली है। और जिस तरह हम लोगों का बंगाल गवर्नमेंट का GST का रुपया, अम्फान का रुपया जो अटकाया हुआ है मोदी गवर्नमेंट ने, उसके विरोध में ये रैली है। और जिस तरह हम लोगों को, बंगाल के लोगों को सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, हम लोगों को जिस तरह से दिया नहीं जा रहा है, पैकेज दिया जा रहा है बंगाल के अंदर में, इसीलिए ये रैली हम लोग निकाला है ममता बनर्जी के आदेश में। और जो इसके लिए हमारी लेडी, हमारी नेत्री ममता बनर्जी, हमारे चीफ मिनिस्टर लड़ रही है, और हम लोग उसके साथ आज उनके आदेश में ये रैली निकाल के ये प्रोटेस्ट मिचिल हम लोग दिखाया है, इसलिए कि आज पूरी जनता ममता बनर्जी के साथ है और BJP गवर्नमेंट के विरोध में है। हम BJP गवर्नमेंट बस एक ही चीज़ जानती है कि किस तरह वोट को हिंदू मुसलमान करके लेना और किस तरह वोट को मैंने इंसानियत से गिरा हुआ काम अगर कोई करता है तो वो BJP करता है। हम बंगाल के अंदर में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं। हमारे जिस तरह प्रोग्राम होता है, हमारे ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ईद के दिन रेड रोड में नमाज से पहले पहुंच जाती है मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए। हमारे MP सुदीप बंदोपाध्याय राजा बाजार में और बड़ी मस्जिद में ईद के दिन आके मुबारकबाद पेश करता है। यही तो एकता का पहचान है, यही तो हमारे लीडर का सेकुलर बनती है। ऐसा सेकुलर पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा जो बंगाल के अंदर में सेकुलर लीडर ममता बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, अभिषेक बनर्जी और सुब्रत बख्शी है। ऐसा लीडर होने की ज़रूरत है हम लोगों को। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, क्या इससे बेरोजगारी बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर को देने वाला वो होता कौन है? अगर सब चीज़ आप बेच दीजिएगा तो नौकरी कहाँ जाएगा? आज जो लोग लड़के लोग पढ़ लिख के जो लंबर लगा के बैठे हुए हैं, उन लोगों को नौकरी कौन देगा? गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाता है आदमी को, बहुत लोग इंतजार करते हैं, खास करके हमारे बंगाल के रहने वाले बंगाली, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो बंगाल में रहते हो बंगाली में, बंगाली लोग जो जाते हैं पढ़ लिख के अपने बच्चों को पढ़ा के नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, वो किसको करेंगे? वहाँ तो नौकरी मिलेगा कैसा देंगे? अपने अपने लोगों को दिया जाएगा तो नौकरी कहाँ मिलेगा? इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं और इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट के अंदर में रहे, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं जाए। इसीलिए ममता बनर्जी ये रैली, ये प्रोटेस्ट करने हम लोगों को बोली है, हम लोग कर रहे हैं इसके लिए। आइंदा कल में फ्यूचर में भी आप लोग इस ताल्लुक से ऐसी रैलियाँ निकालेंगे? जरूर निकालेंगे, जब हमारे ममता बनर्जी और सुदीप बंदोपाध्याय का आदेश होगा तब तक हम लोग रैली और मिचिल निकालते रहेंगे। आप देखें, आज आप तो मिचिल के अंदर थे हम लोग के साथ में, कितने लोग आज 49 वाट का जनता हम लोग के साथ में थे, हजारों की आबादी में आज रैली में लोग थे। इससे क्या आपको साबित होता है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब थे हमारे साथ में, बच्चा बूढ़ा जवान सब थे, मर्द औरत सब थे इसके साथ में। इससे क्या साबित होता है कि बंगाल की जनता जागरूकता है? बंगाल में ABM चोरी से आप इलेक्शन जीत नहीं सकते हैं, आप जो हो गया अब वो नहीं होगा। बंगाल की जनता जाग गई है, बंगाल की जनता एक ही चीज़ जाती है कि बंगाल में ममता बनर्जी छोड़ के दूसरी कोई सरकार नहीं चलेगी। यहाँ पर रैली निकाली है, उस रैली का मकसद क्या है? पश्चिम बंगाल का जो पैसा आज अम्फान जो तूफान आया है, और जो हमारे गरीब भाई है जिनकी झोपड़ी तोड़ा गया तूफान में, बहुत से घर बर्बाद हुआ है, और ये बर्बादी में जो केंद्र सरकार ने 52,00,000 करोड़ रुपया देने की बात हुई थी, मगर हमारे
पश्चिम बंगाल सरकार यानी हमारी नेत्री ममता बनर्जी को सिर्फ 1,000,00,000 करोड़ रुपए ही मिला है। हमारा जो ये प्रतिवाद है वो नरेंद्र मोदी जो डिक्टेटरशिप चला रहा है उसके खिलाफ हमारा प्रतिवाद है। हमारा प्रतिवाद इसलिए है जो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार जो पैसा पाती है वो नरेंद्र मोदी को हर हाल में ये रुपया देना होगा। अगर नरेंद्र मोदी अगर हमारे पैसे को नहीं देते हैं तो ये जो जुलूस है, ये जो महामिचिल है जो अली हुसैन सोनू की क़यादत में और दीदी के कहने पे निकला है, ये यही नहीं थमेगी बल्कि बहुत दूर तक जाएगी। सरकार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, और हम लोग इलाके के हमारे अली हुसैन सोनू भाई के फेवर में हम लोग हैं और उनके फेवर में हमेशा थे और हमेशा रहेंगे अगेंस्ट और बीजेपी। आज बीजेपी टीएमसी को इतनी खराब पोजिशन में ला दिया है। पहले जो टीएमसी थे हमारे बंगाल में बहुत अच्छा पोजिशन में थे, आज कुछ अच्छा काम करने टीएमसी के लिए बीजेपी नहीं दे रहा। पर हम लोग आज ममता बनर्जी के साथ है और हमारे इलाके के अली हुसैन सोनू भाई के फेवर में है। हमारे पब्लिक जनता बंगाल के टीएमसी के साथ, ममता बनर्जी के साथ है। इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हम लोग को लड़ना है और हमारे पब्लिक को जो महंगाई है उससे नीचे गिराना है। और साथ ही साथ हमारे बंगाल के जो पब्लिक को जो मिलना चाहिए था टीएमसी देना चाहते हैं, मगर ये बीजेपी के खिलाफ उनको होने नहीं दे रहे। हमारे बंगाल का पब्लिक पूरा परेशान हो गया है, पूरा हिंदुस्तान परेशान हो गया है बीजेपी से। हमारे इलाका के, हमारे बंगाल के सीएम ममता बनर्जी बहुत खून पानी हमारे पब्लिक के लिए दे रही है। हम लोग उनके साथ है, इलाका के अली हुसैन भाई उनके साथ हम लोग है। आज कल भी थे, आज भी है और आने वाला दिन भी कर रहेंगे। थैंक यू। आज जे रखम चारिदिके पैंडामिक क्रिएट चलछे, कत मार्च मास थेके मानुषेर काछे पैसा नेई, खाबार नेई, ওষুধ নেই, রোজগার নেই, এইসব বিভিন্ন ইস্যুতে মানুষ আজকে দিশেহারা। দেশের অর্থনীতি যেভাবে 7 পয়েন্ট থেকে নেমে -23 পয়েন্টে আছে, তার মধ্যে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতি, বিশেষ করে রেল, বিমা এবং বিভিন্ন যেগুলো লাভজনক সংস্থা সেগুলো একের পর এক বেসরকারি হাতে তুলে যাওয়া, এটা আরও অর্থনীতিকে রসাতলে ফেলবে বলে আমার মনে হয়। মানুষ এই দিশেহারা সমস্যার মধ্যে অর্থনীতি সমস্যার সঙ্গে যুঝছে, তাই জন্যে আমাদের জননেত্রী, মামাটি মানুষের নেত্রী, সর্বোপরি আমাদের দলের সুপ্রিমো শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আজ আমাদের তৃণমূলের যোদ্ধারা 39 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আলী হোসেন সোনু সাহেবের নেতৃত্বে আজ আমরা 39 নম্বর ওয়ার্ড পরিক্রমা করেছি এবং মানুষের স্বার্থে আমরা সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদে মুখর হয়েছি এবং আশা করি আগামী দিনেও আমাদের এই লড়াই চলবে। যত যত আমাদের নির্বাচন আসবে, বিশেষ করে বিজেপির কিছু যারা পক্ষান্তরে যাদেরকে বলা হয় দালাল,